अस्सलाम वालेकुम, फैब्रिकेशन विश्वेयर में खुश आमदीद। आज हम सीखेंगे इंसेंटिक रिड्यूसर का सेंटर मालूम करना। बिल्कुल आसान तरीका कार है, आप लोगों ने एक वीडियो मुकम्मल देख ली तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको सेंटर मालूम करना आ जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप लोगों को हमारी वीडियो से एक फीसद भी फायदा होता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेशन में छोड़ सकते हैं। देखें, अब हम इसका सेंटर मालूम करेंगे। देखें, ये वाली जो साइड है एनपीएस 4 इंच, इसका ओडी है 114 मिलीमीटर, और दूसरी साइड है एनपीएस 2 इंच, इसका ओडी है 60 मिलीमीटर। क्या करेंगे, जो बड़ा डाया है 114 मिलीमीटर, उसको प्लेन सरफेस पे इस तरह रखेंगे। ठीक है, रखने के बाद क्या करेंगे, मार्किंग स्टोन की मदद से इसे मार्क करेंगे इसके एक्सटर्नल तरफ। देखें, इसे मार्किंग, आपने मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा, तो आपने ये तवज्जो से देखना है कि ये किस तरह हम निकालते हैं। बिल्कुल आसान तरीका का है। देखिए क्या हुआ, ये सर्कल लग गया। अब हम यहां पे क्या करेंगे, आप देखें कि राइट एंगल की मदद से क्या करना है, यहां पे आपने थोड़ी सी तवज्जो रखनी है। यहां पे अगर आपने तवज्जो रख ली तो आपको इसका सेंटर मालूम करना आ जाएगा। ठीक है, ये देखें इस तरह रखा, उसके बाद क्या किया, मार्किंग स्टोन की मदद से हम क्या करेंगे, इसे मार्क करेंगे। अब क्या करेंगे, इसी तरह ही हम दूसरी साइड भी मार्क करेंगे। अब क्या करेंगे, राइट एंगल को इस तरह रखेंगे और ये वाली साइड भी क्या, इसे भी मार्क करेंगे। देखें बिल्कुल डाई के साथ, ये देखें डाई के साथ बिल्कुल लाइन क्रॉस होके गुजरे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस तरह भी हम यही मार्किंग दोहराएंगे। ये देखें जी, ये भी मार्क हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि इसका जो ओडी है वो है 114 मिलीमीटर। ठीक है, 114 का हाफ करेंगे बनेगा 57 मिलीमीटर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 57 यहाँ पे मार्कअप करेंगे 57 मिलीमीटर। देखें यहाँ पे किया कि 57 पे मार्क किया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, हम 57 पे मार्किंग करेंगे, यानी कि डाई का हाफ मार्क करेंगे। ये देखें यहाँ पे भी क्या कितना हो गया, 57 मिलीमीटर इस तरह मार्क कर दिया। अब इस तरह भी करेंगे हम 57, समझेंगे, हम चारों साइडों पे इसका सेंटर निकालेंगे पहले। ठीक है, ये भी हो गया 57। अब इसी तरह हम इस साइड में भी कितना करेंगे, 57 मिलीमीटर इसका हम सेंटर निकालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि राइट एंगल की मदद से हम लाइन लगाएंगे सेंटर की। ठीक है, अब क्या यहाँ पे हमने क्या किया, ये लाइन लगा रहे हैं इसके सेंटर की, ये इस तरह हो गया। और इसी तरह ही दूसरी साइड पे भी हम इसे मार्कअप करेंगे। ये देखें यहाँ पे भी क्या किया इसे, अच्छा अब ये देखें कि इस साइड दो चारों साइडों पे इसके सेंटर के निशान लग गए। अब आपने क्या करना है, ये रिड्यूसर है। ठीक है, अब ये जो इसकी ये वाली साइड है ना, यहां से देखें कि ये स्लोप में है, जो इसकी स्ट्रेट साइड है उसको अपनी तरफ रखना है, अपनी तरफ रखना है इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे रखने के बाद आगे हम क्या करेंगे, वहां पे आपने तवज्जो रखनी है। ठीक है, थोड़ा सा इसे अंदाजे के साथ यहाँ पे सीधा करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना मैं आपको वो बताता हूँ। क्या करेंगे, अब राइट एंगल लेंगे, राइट एंगल क्या करेंगे, इस लाइन के साथ मैच करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस लाइन के साथ इधर मैच करेंगे। अब आपको गैप नजर आ रहा है, क्या करेंगे हम रेड्यूसर को इस तरफ चलाएंगे, इस तरफ। ठीक हो गया, इस तरफ चलाया हमने। अब क्या करेंगे, हम इसकी ऑपोजिट साइड ये वाली चेक करेंगे। ठीक है, अब ये देखें, अब आप दोबारा देखें, मैं इस तरफ से राइट एंगल इस तरफ लेके जाता हूँ। ठीक है, यहां पे देखें आप दोबारा, ये भी इसके साथ टच हो रहा है, राइट एंगल को देखें लाइन के साथ लग रहा है। और दूसरी साइड दोबारा मैं आपको चेक करवाता हूं, ये देखें कि इस तरह ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट थर्ड करेंगे, जो सामने हमने सेंटर इसका निकाला हुआ था। देखें अब सामने हम लगा के देखेंगे इस तरह राइट एंगल। अब देखें ये सामने वाली तरफ भी आपको राइट एंगल इस लाइन के साथ मैच होता हुआ ऊपर तक जाता हुआ नजर आ रहा है। अब देखें कि इस साइड से भी हमने चेक किया, दूसरी साइड से भी मैंने आपको चेक करवाया, ठीक है, तीसरी साइड से भी चेक करवाया। और सामने से क्या करना है कि ये बिल्कुल इस लाइन के साथ सर्कल जो लगा हुआ है सर्कल के बिल्कुल साथ रखना है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, मार्किंग स्टोन की मदद से क्या करना है, हमने यहाँ पे एक निशान ले लेना है। कहाँ पे निशान लेना है, ये वाली जो लाइन लगाई है हमने, ये वाली मिड वाली, ये इस तरह भी लगाई थी। क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक निशान ले लेंगे यहाँ पे। ठीक हो गया, अब इसको क्या करेंगे, राइट एंगल को क्या करेंगे, ये वाली जो लाइन थी इसके साथ रखेंगे इस तरह, इस तरफ यहां पे रखने के बाद क्या करेंगे, यहां से हम इसे मार्क कर देंगे। ठीक है, ये मार्क हो गया यहां पे। ठीक हो गया, ये तो एक तरीकाकार हो गया इसका।
इसका दूसरा तरीका क्या है कि क्या करेंगे हम, जो स्प्रिट लेवल है, स्प्रिट लेवल को क्या कि यहाँ पे इस पॉइंट के साथ रखेंगे, ऊपर से देखेंगे कि 90 कहाँ पे बन रहा है, ठीक है, 90 बन रहा है तो हम लाइन लगा देंगे, ठीक है। इस तरह भी लगा सकते हैं हम, राइट एंगल की मदद से भी हम लगा सकते हैं। ये देखिए ये अब क्या है, इसका सेंटर आ गया, ठीक हो गया। उम्मीद है आप लोगों को इन सेंटिक रिड्यूसर का सेंटर मालूम करने का तरीका अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, आपको तफसीली तौर पे उसके बारे में जवाब दिया जाएगा। और लास्ट में एक ही रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो से अगर आपको फायदा हुआ है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ उनके नॉलेज में भी इजाफा हो। शुक्रिया।